अलमेक वेलकम टू माई चैनल क्लीन एट समय आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बहुत ही क्यूट से हार्ट्स बहुत ही आसान है बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं आप कहीं पे इसका एप्लिक बना के भी लगा सकते हैं किसी स्वेटर पे, बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं बहुत ही आसान पैटर्न है इसका सबसे पहले आपने आपको चीज़ें क्या चाहिए निटिंग नीडल्स आई हैव फाइव एम एम यू कैन यूज़ एनी साइज़ आप किसी भी साइज़ की इस्तेमाल कर सकते हैं ये पाँच नंबर की हैं और यू कैन यूज़ स्ट्रेट नडल्स यू डोंट हैव टू यूज़ डी पी एन आप डबल साइड ज़रूरी नहीं इस तरह की यूज़ करें मैं सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ आप सिंगल पॉइंटेड जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीट वाली आपको सुई चाहिए जारी बात है वेव इन करने के लिए ऊन चाहिए कोई भी साइज़ की ऊन ले लें आपने हार्ट बनाना है और कैंची चाहिए सबसे पहले आपने कास्ट ऑन कर लेने हैं फंदे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कास्ट ऑन स्टिचेस वीडियो लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर हाउ टू कास्ट ऑन स्टिचेस फॉर दिस मेथड बट इफ यू नो एनी मेथड यू कैन कास्ट ऑन आप किसी भी मेथड से फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि इसी मेथड से जो भी आपको आता हो कास्ट ऑन थ्री स्टिचेस पहले हम तीन फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे रो वन आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस रो वन पहली सिलाई निट ऑल स्टिचेस बिकॉज इफ यू हैव अ बिगर इफ यू वांट टू मेक अ बिगर हार्ट यू नीड टू कास्ट ऑन मोर देन थ्री स्टिचेस बट ऑड नंबर्स अगर आपने बड़ा हार्ट बनाना है तो आप क्या करेंगे आपने तीन की जगह पे पांच नौ या ग्यारह इस तरह करके फंदे कास्ट ऑन करेंगे ऑड नंबर इवन नहीं मतलब दो चार इस तरह से नहीं कर सकते आपने तीन पाँच इस तरह से करने हैं थ्री और फाइव और सेवन नीड टू कास्ट ऑन ऑड नंबर इफ यू वॉन्ट मेक अ बिग गॉड सो रो वन नेट ऑल स्टिचेस रो टू के एफ बी के एफ बी मैंने टेक्निक सिखाई भी हुई है आपको पहले भी के एफ के एफ बी मीन्स निट थ्रू फ्रंट एंड बैक के मीन्स निट एफ मीन्स फ्रंट बी मीन्स बैक के एफ बी वी यूज दिस टेक्निक टू इंक्रीज स्टिचेस सो वी विल निट के एफ बी हेयर निट दिस स्टिच थ्रू फ्रंट एंड बैक लूप टू इंक्रीज स्टिचेज रो टू के एफ बी देन निट वन के एफ बी किया एक फंदा बढ़ाया उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और यू कैन से दैट निट टू द लास्ट स्टिच इफ यू आर मेकिंग अ बिगर हार्ट अगेन डू के एफ बी निट टू द लास्ट स्टिच देन के एफ बी अगेन सो रो टू के एफ बी दो फंदे बने उसके बाद निट वन देन अगेन के एफ रो थ्री निट ऑल फाइव स्टिचेस और जो भी आपके पास है निट ऑल स्टिचेस एज मैनी एज यू हैव के निट ऑल स्टिचेस रो थ्री रो फोर एफ बी अगेन टू इंक्रीज स्टिचेस रो फोर नाउ निट टू द लास्ट स्टिच मीन्स यू निट नीड टू निट दीज थ्री स्टिचेस के एफ बी निट थ्री देन के एफ बी के एफ बी निट टू द लास्ट स्टिच इफ यू आर मेकिंग अ बिगर हार्ट नाउ के एफ बी अगेन मतलब इस फंदे में से दो फंदे करेंगे इस तरह से बुन के ये टेक्निक की छोटी वीडियो होगी आपको अगर समझना है तो उसमें देख लीजिएगा फिफ्थ रो पांचवी सिलाई निट ऑल स्टिचेस ऑल सेवन स्टिचेस वी हैव हेयर यू विल निट एज मैनी एज यू हैव फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है नाउ आफ्टर निटिंग दीज फाइव रोज कट यार्ड लिटिल लॉन्गर सो यू कैन वे विटर ओके नाउ कीप दिस हेयर साइड कास्ट ऑन अगेन थ्री स्टिचेज एंड मेक द सेम पीस आपने फिर से तीन फंदे सिलाई पर डाल लेने हैं और इसी तरह की पांच सिलाइयाँ बुन के ऐसा वाला पीस बना लेना है ना आफ्टर कास्टिंग ऑन three stitches repeat row 1 to 5 repeat all five rows again same as here i'm not going to skip it just to help beginners row 1 I'll just make it little bit quick. थोड़ा सा जल्दी बना लूंगी but same ही है इसी तरह से मैं skip नहीं कर रही ताकि beginners को help हो Row टू K F B, ठीक नेट वन एंड अगेन इन के एफ पी ये रो टू है ठीक है रो थ्री निट ऑल स्टिचे ऑल फाइव स्टिचेज बोथ पीस शुड बी सेम साइज रो फोर सेम इज रो फोर डेफिनेटली के एफ बी नेट थ्री देन अगेन के एफ बी तीन फंदे बीच में सीधे बुने यहाँ पे भी के एफ बी यहाँ पे भी के एफ बी मतलब एक एक फंदा बढ़ाया एक ही फंदे में से दो फंदे किए फिफ्थ रो नेट ऑल स्टिचेस ऑल सेवन स्टिचेस नाव वी हैव टू पीसेस फॉर दीज पार्ट वन एंड टू टू दोनों पीसेस बन जाने के बाद आपने देखना है कि ये जो हमने धागा काटा था वो इस तरफ हो ठीक है एंड ये वाले जो धागे हैं वो इस तरफ ओके okay? नाव वी हैव फाइव रोज हेयर फाइव रोज हेयर नाउ फॉर द मिडल सेक्शन रोज सिक्स यहाँ पे भी पांच सिलाई है यहाँ पे भी पांच स्लाइया हमने बुनी पांच पांच स्लाइयों का पीस बनाया है यहाँ पे रोज सिक्स अब छठी सिलाई छह फंदे सीधे बुन लेंगे नेट सिक्स स्टिचेस सीधे सीधे फंदे बुनने हैं आपने सिक्स स्टिचेस दो चार छ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाउ निट दीस टू स्टिचेस टूगेदर दो फंदों को साथ बुनेंगे एक यहां से एक इस वाले पीस से और अब थोड़ा सा इसे आपने खींच लेना है ये जो धागा हमने काटा था जस्ट लाइटली नाउ निट सिक्स स्टिचे अब बाकी के छह फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं हमने क्या किया नेट सिक्स नेट टू टुगेदर एंड देन नेट सिक्स रोज सेवन टू इलेवन सातवीं से लेके ग्यारहवीं सिलाई तक आपने सारी सिलाईया सीधी बुननी है रोज सेवन ऑल स्टिचेस। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है बट मेरी कोशिश ये होती है कि आपको सारी डिटेल्स बताऊं सेवेंथ हो गई एट्थ रो ये बिगनर्स के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूं आप सातवीं से लेकर ग्यारहवीं सिलाई तक सारी सिलाइया सीधी सीधी बुन लें एटथ रो ऑल स्टिचेस ठीक है नाउ नाइन टेन इलेवेन निट ऑल ऑल स्टिचेस ग्यारह सिलाइया कंप्लीट हो गई हैं रो ट्वेल्व बारहवीं सिलाई निट टू स्टिचेस टुगेदर निट टू द लास्ट टू स्टिचेस आखिरी दो फंदों तक सारे फंदे सीधे बुनेंगे बारहवीं सिलाई पहले दो फंदों का एक किया उसके बाद आखिरी दो फंदों तक निट टू टुगेदर नेट टू द लास्ट टू स्टिचेस नेट देम टुगेदर रो ट्वेल्व बारहवीं स्लाई ठीक है दिस इज अवर डिक्रीजिंग पार्ट सेक्शन यहां पे हम इसको अब शेप दे रहे हैं ठीक है रो थर्टीन सेम इज रो वन हियर निटोल स्टिचेस सारे फंदे सीधे बुनेंगे तेरहवीं सिलाई रो फोर्टीन सेम इज रो ट्वेल्व बारहवीं सिलाई की तरह निट टू स्टिचेस टुगेदर दो फंदों का एक किया अब निट टू द लास्ट टू स्टिचेस आखिरी दो फंदों तक सारे फंदे सीधे बुन लेंगे और अब इनको निट टू टुगेदर इन दो फंदों को साथ में बुन लेंगे अगेन फिफ्टीन रो ऑल स्टिचेस सारे फंदे सीधे बुन लें सोलह सोलहवीं सिलाई row, रो सेम एज रो ट्वेल्व two टू together, दो फंदों का एक कर लें देन नेट द लास्ट टू stitches, आखिरी दो फंदों तक सारे फंदे सीधे बुन लें सत्रह 17th row knit all stitches 18 row same as row 12 knit two stitches together knit to the last two stitches दो फंदे साथ बुने फिर आखिरी दो फंदों तक सीधा बुना फिर दो साथ उन्नीसवी सिलाई नाइनटीन रो all स्टिचेस रो ट्वेंटी बीसवीं सिलाई सेम इज रो ट्वेल्व नेट टू स्टिचेस टुगेदर दो फंदे साथ में बुनेंगे एक फंदा सीधा या बीच में जितनी आपके पास हो अगर आप बड़ा हार्ड बना रहे हैं तो टू स्टिचेस टुगेदर निट टू स्टिचेस टुगेदर वन टू स्टिचेस टुगेदर नाउ रो नाइनटीन व्हेन यू हैव थ्री स्टिचेस लेफ्ट ऑन द निडल देन व्हाट विल यू डू ऑन नेक्स्ट रो रो ट्वेंटी वन इक्कीसवीं सिलाई दो फंदे साथ में बुनेंगे नेट टू स्टिचेस टुगेदर रो ट्वेंटी वन इक्कीसवी सलाई और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे रो ट्वेंटी वन निट टू स्टिचेस टुगेदर नेट वन नाउ व्हेन यू हैव टू स्टिचेस ऑन द निडल जब दो फंदे आपके पास बच जाएं तो आपने बाइंड ऑफ कर देना है सीधा बुन के नेट इन बाइंड ऑफ टू स्टिचेस ठीक है सिंपल बाइंड ऑफ है इसकी टेक्निक भी मैंने आपको सिखाई हुई है और धागे को सिक्योर कर लेंगे धागे को सिक्योर करने के बाद धागा काट लेंगे और फिर उतना काटेंगे जितना आप वेव इन कर लें और इसको आप वेव इन कर लेंगे धागों को वेव इन की वीडियो मैंने पहले भी सिखाई हुई है टेक्निक कि आप वेव इन किस तरह से करें हाउ टू वेव इन जस्ट थोड़ा सा आपको जस्ट फॉर बिगनर्स आपने धागा अंदर की तरफ लेके जाना है पहले एंड देन जस्ट वे विन वे विन ऑल स्ट्रेन ऑन वन साइड यहाँ पे हमारा हार्ट रेडी हो गया है आप इस तरह के हार्ट बना के इनकी फिलिंग भी कर सकते हैं और इनको डेकोरेशन के लिए हैंगिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाए बेल आइकन दबाने से आपको वीडियोस रिसीव होती हैं क्योंकि नोटिफिकेशन उससे ऑन होता है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़